हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहित बालानी एंड आप देख रहे हैं ऑटो फाइल्स। सो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप अपने सामने देख रहे हैं हीरो ग्लैमर एक्सटेक। सो दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, नो नॉनसेंस वीडियो। सारी जो काम की चीज़ें हैं, जो काम की जानकारी है, गाड़ी के स्पेसिफिकेशन, कलर ऑप्शंस, प्राइसिंग, ये सब चीज़ मैं बता दूंगा। फालतू की बात किए बिना स्टार्ट करते हैं। आप अपने सामने देख रहे हैं ग्लैमर एक्सटेक। ये आपको दो कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये इसका मैट ग्रे है एंड एक इसमें आता है ग्लॉसी ब्लैक। एक रेगुलर ग्लैमर आती है एंड दूसरी आती है एक्सटेक। तो बेसिकली दो गाड़ियाँ हैं। एक्सटेक में आपको यहाँ सामने LED लाइट्स आ जाती हैं एंड कनेक्टिविटी आ जाती है, स्मार्टफोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है। एंड जो रेगुलर ग्लैमर है उसमें आपको सामने रेगुलर हेलोजन बल्ब मिलेगा एंड कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। उसमें आपको एक एनालॉग क्लस्टर मिलता है, इसमें आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है। सो फ्रंट से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80x100 का एक नैरो टायर है। फ्यूल एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए इस टाइप का आपको टायर मिलता है एंड कुछ इस तरीके से आपको इसके DRLs मिल जाते हैं, दो ये X शेप के। एंड ऑल LED सेटअप है, अपर डिपर दोनों इसमें LED। यहाँ पर आपको हीरो का लोगो मिल जाता है। ग्लॉसी फिनिश में इसकी विंड स्क्रीन है, बाकी मैट है। एंड हेलोजन आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं, इसमें दोस्तों आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ जाती है। यहाँ पर आप डिस्क ब्रेक देख सकते हैं, ABS नहीं आता है दोस्तों। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आती है एंड रेयर में आपको इसमें ड्रम ब्रेक ही आता है। एंड क्योंकि ये 124cc की बाइक है तो इसलिए ABS मैंडेटरी नहीं है, तो हीरो ने ऑफ़र नहीं किया है यहाँ पर। एंड पहले चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लैमर की 3D एम्बलम बैजिंग आती है एंड ये सॉर्ट ऑफ एक सेमी फेयरिंग टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। फ्यूल इंजेक्टेड मोटर है एंड स्पेसिफिकेशन की बात करें 124.7cc का इसका इंजन है एंड 10.7 BHP की पावर बनाता है, 10.6 Nm का टॉर्क बनाता है, 5-speed आपको ट्रांसमिशन आता है एंड माइलेज 45 से ज़्यादा ही निकालेगी, उससे कम नहीं निकालेगी। टॉप स्पीड लगभग 115 km/h इसकी है। एंड फ्यूल टैंक की अगर हम कैपेसिटी की देखें तो इसमें 10 लीटर फ्यूल टैंक टोटल कैपेसिटी है, पर रिजर्व में लगभग 1 से 1.5 लीटर रहता है, तो आप इसमें 8-8.5 लीटर आराम से पेट्रोल डाल सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, एक ऑल डिजिटल यूनिट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर RPM मीटर है, स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर है, ओडोमीटर है। यहाँ पर आपको टाइम दिखा रहा है, ये है ओडोमीटर। ये जो है साइड वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज दिखा रहा है अभी 28 km/h चली है, जैसे डेट दिखा रहा है। ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको नेविगेशन आ जाएगा, कॉल अलर्ट्स एंड मैसेज आपको सारे आ जाएंगे। साइड स्टैंड है, यहाँ पर कुछ टेल लाइट्स हैं एंड इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी आता है। और स्विच गियर की बात करें, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेसिक स्विच गियर है। यहाँ पर आपको इंजन कट ऑफ स्विच आ जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड कुछ इस तरीके से आपको इसकी सीट आ जाती है, सिंगल पीस की सीट है, काफ़ी कुशनी, काफ़ी वाइड, बहुत अच्छी इसकी सीट की कुशनिंग है। एंड पेंट फिनिश की अगर हम बात करें वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर रियर प्रोफाइल से हम देखें सो यहाँ रियर में भी आप देख सकते हैं वो जो एच शेप का है सॉर्ट ऑफ, तो वो एक कंटिन्यूटी रखी गई है सामने हेडलैम्प से सिमिलर। एंड इस टाइप की साइड प्रोफाइल है। सेंटर में आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में ब्लू इंसर्ट्स हैं, i3S की बैजिंग है, फ्यूल इंजेक्टेड की आपको बैजिंग मिल जाती है ऑन द साइड पैनल, कुछ यहाँ रेस फ्लैग इंस्पायर्ड ग्राफिक्स हैं। सो अब बात करते हैं कि ये आती कितने की है। मेन फैक्टर इसका प्राइसिंग 95,000 से लेके 1,00,000 के बीच में एक्सटेक की ऑन रोड प्राइस है। सो दो कलर्स इसमें आते हैं, 240mm का सामने डिस्क आ जाता है एंड अगर आप ड्रम वाला लेते हैं तो 130mm के ड्रम आ जाता है आगे एंड इवन पीछे। सो फ्यूल टैंक एंड सब चीज़ मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिया है। ये था मैट ग्रे कलर ऑफ द ग्लैमर एक्सटेक। एंड इसके पॉजिटिव्स की बात करें अगर, तो एक कम्फर्टेबल कम्यूटर सिटी फ्रेंडली बाइक है, काफ़ी अच्छी इसकी जो परफॉर्मेंस है सिटी में, मोर देन एडिक्वेट आपको इसमें परफॉर्मेंस मिल जाती है। सीट में रूम काफ़ी अच्छा है, तो दो एडल्ट्स एंड बीच में एक बच्चा, छोटा बच्चा बैठता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड डिटेल भी इसमें काफ़ी अच्छी रखी गई है, जैसे ये अलॉय व्हील्स नए हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लैमर लिखा हुआ है व्हील पर, जो ये ग्राफिक्स दिए गए हैं। सो ये डिटेल रखी गई है एंड BS6 कंप्लाइंट 2021 मॉडल है। फ़ायदे की बात, जैसे कि मैं बता रहा था, सीट में काफ़ी मोर देन इनफ स्पेस है। माइलेज इसकी सिटी में बहुत अच्छी है, क्योंकि 5 गियर है तो शॉर्ट हाईवे ड्यूटीज़ भी ये कर सकती है गाड़ी आराम से एंड 45-50 के आसपास इसकी एवरेज आ जाएगी सिटी हाईवे कम्बाइंड। अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, 95 टू
1 लाख रुपीज़ में आपको LED हेडलैम्प आ जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है, एवरेज भी बताएगा इसमें, ट्रिप कंप्यूटर आता है क्योंकि, सो एक काफ़ी अच्छा ओवरऑल पैकेज आ जाता है ये। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ग्लैमर कैसी लगी, ये कलर स्पेशली कैसा लगा, एक स्पेशल कलर है मैट, काफ़ी यूनिक सा कलर है एंड प्रीमियम एक अपील देता है। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, सी यू।